जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है बहुत ही गुड़ है ध्यान मन और चेतना का रहस्य या फिर ये भी कहिए ध्यान मन और चेतना का संबंध क्या है ध्यान मन और चेतना का संबंध के साथ साथ इस संसार का संबंध क्या है आज ये इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे वैसे इतिहास में इस विषय पर चर्चा हुई है अगर आप कभी सुखदेव मुनि और राजा जनक के संवाद का अध्ययन करें कि मुनि सुखदेव और राजा जनक कहते हैं कि राजा जनक सुखदेव मुनि के गुरु थे और सुखदेव मुनि राजा जनक के पास क्या प्राप्त करने गए थे तो आत्मज्ञान ही प्राप्त करने गए थे तत्वों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था लेकिन आत्मा का ज्ञान उन्हें नहीं हुआ था और अपने और अपने पिता के कहने पर अर्थात श्री कृष्ण द्वयापन वेद व्यास जी उनके पिता थे तो वेद व्यास जी के कहने पर सुखदेव मुनि राजा जनक के पास आत्मज्ञान की इच्छा लेकर जाते हैं एक उपनिषद है महोपनिषद महा उपनिषद उस उपनिषद में इस संवाद की प्राप्ति होती है कि सुखदेव मुनि ने सबसे पहला प्रश्न राजा जनक से क्या पूछा था तो सुखदेव मुनि ने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था कि यह संपूर्ण प्रपंच या संपूर्ण जगत प्रपंच कहाँ से उत्पन्न होता है इसका प्रमाण क्या है क्योंकि जब बात पौराणिक हो रही है या पीछे की हो रही है तो उसका प्रमाण प्रमाण महो उपनिषद है महा उपनिषद योग उपनिषद की संज्ञा दी जाती है महा उपनिषद को उसमें सुखदेव मुनि सात दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद उपनिषद के अनुसार सात दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं महल में प्रवेश करने पर भी सात दिन तक प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद राजा जनक समय देते हैं सुखदेव मुनि को राजा जनक समय देते हैं सुखदेव मुनि को और उनसे ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला प्रश्न था सुखदेव मुनि का वो यही प्रश्न था यह संपूर्ण जगत यह संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न कैसे हुआ यह कैसे अस्तित्व में आ रहा है यह कहाँ स्थित है तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा जनक कहते हैं यद्यपि इस विषय को बहुत विस्तार से अष्टावक्र महागीता में हमें मिलता है जो राजा जनक ने सुखदेव मुनि को समझाया था वो वही बातें थी जो अष्टावक्र महागीता में पाई जाती और वही महोपनिषद में भी पाई जाती हैं, कि वही उत्तर महोपनिषद में भी पाई जाती हैं। तो उत्तर क्या दिया राजा जनक ने उत्तर दिया कि राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित राग द्वेष अर्थात जिसे हम पंच क्लेश कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंचक्लेश तो राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत है सीधा कह दिया जगत क्या है संसार क्या है तो राजा जनक ने मिथिला नरेश जनक सुखदेव मुनि को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे है शुक, राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित यह चित्त ही जगत है जगत कुछ भी नहीं है वास्तव में यह चित्त ही जगत है यही चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है तभी इसे जगत का अंत अर्थात जगत का अंत होता है कब अंत होता है जब यह चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है तब यह चित्त समस्त दो से मुक्त होकर इस जगत का अंत यानी मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है तो सत्य यह है कि संपूर्ण जगत यह संपूर्ण प्रपंच तुम्हारे चित्त में ही प्रकट हो रहा है ये कहीं बाहर नहीं है इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारे चित्त में ही प्रकट हो रहा है इसलिए यह संपूर्ण जगत भावना मात्र है अष्टावक्र महागीता में इस बात को कई बार रिपीट कर, कर कहा गया है कि यह संपूर्ण संसार भावना मात्र है अर्थात संसार हमारे भीतर किस फॉर्म में है भावना के फॉर्म में है भावना रूप में सारा डाटा है भावना रूप में है और इन भावनाओं से अगर तुम्हारा चित्त मुक्त हो गया तो तुम्हारा चित्त फिर मोक्ष हो जाएगा तुम तो भावना मुक्त हो जाओगे तो हम एक भावना मुक्त भावना के स्तर पर हम अपना जीवन जीते जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कुछ दिनों से कि हम इमोशनल प्लेन पर अपना जीवन जी रहे होते हैं तो यह संपूर्ण जगत इसका अस्तित्व चित्त का दोष मात्र है चित्त में दोष होना ही जगत है और चित्त में कोई दोष ना होना ही मोक्ष है मुक्ति है तो कहा राजा जनक ने कहा कि मन के द्वारा शरीर की भावना ना विरतो दुश्चरितुस्तरित ना शांतो ना, समाहिता। ना शांत मनसो वापी ने नैन मा ना शांत मनसो वापी प्रज्ञा ने नैन मां मापनुयात अर्थात मन के द्वारा शरीर की भावना किए जाने पर ही आत्मा देहात्मक बनती है आत्मा कहने का तात्पर्य भी यहां परम चैतन्य से है तो चेतना इस देह में कैसे व्याप्त होती है मन के द्वारा जब देह की भावना होती है मन के द्वारा जब देह की भावना होती है तो यह चेतना जो है अब ध्यान मन और चेतना अभी ध्यान कहां पर है ध्यान का बिखराव है मन के द्वारा इंद्रियों में ध्यान का बिखराव है तो चेतना का भी बिखराव है आत्मा की स्थिति शरीर में कैसे बनती है मन के द्वारा इस देह की भावना होने से इंद्रियों के माध्यम से इस शरीर की भावना होने से आत्मा की स्थिति इस शरीर में मानी जाती है लेकिन यदि मन इस देह की भावना ना करे मन उस आत्मा की भावना करे अगर मन इस देह की भावना ना करे देह की भावना करने के कारण चेतना का बिखराव है स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस चेतना का बिखराव है क्योंकि मन में देह की भावना है और इंद्रियों के माध्यम से अनेक इंद्रियों के माध्यम से अनेक अनुभूतियां तीन गुण पंचभूत पंच तन मात्राएं ये सब मिलकर एक बिखराव पैदा करती हैं और उस बिखराव में असंतोष है उस बिखराव में दुख है लेकिन यदि यह मन इस देह की भावना करने के स्थान पर उस आत्मा की ओर अपनी दिशा को मोड़ दे तो क्या होगा वहां पर एकाग्रता सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी मन एकाग्र चित्त होने लगेगा और एकाग्र भूमि प्राप्त होगी महर्षि पतंजलि वेदव्यास जी के योग भाष्य के अनुसार उन्होंने चित्त की पंच भूमिकाओं का वर्णन किया है पांच भूमियां ऐसे बताई हैं कि कौन कौन से चित्त होते हैं पांच प्रकार के चित्त हो सकते हैं विक्षिप्त चित्त होता है एकाग्र चित्त होता है निवृत्त चित्र होता है जिसका जिससे जिसकी कोई जिसका चित्तवृत्ति निरो निरोध हो चुका है क्षिप्त चित्त होता है क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निर्लिप्त तो इस प्रकार से पांच स्थान बताए गए हैं चित्त की अवस्थाएं साधक जिस अवस्था में होगा जिस लेवल में होगा जिस लेवल पर होगा योग शास्त्र में भी इसका वर्णन होता है आपका चित्त किस लेवल पर है इन पांच अवस्थाओं में से किस लेवल पर है इन पांच अवस्थाओं में से किस लेवल पर है तो आपको वो जानना पड़ेगा अगर आपका चित्त बहुत ही निम्न स्तर पर है तो फिर दुखमय जीवन आप भोग रहे होंगे चित्त की भूमि तो अगर आप क्षिप्त अवस्था में हैं क्षिप्त चित्त है चित्त की पंच भूमियों का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है योग भाष्य में क्षिप्त भूमि मूल भूमि विष्प्त भूमि एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि ठीक है अब ये क्या है यह जो चित्त की ये जो पांच अवस्थाएं बताई गई हैं वास्तव में क्या है ये लेवल्स हैं आप किस लेवल पर जीवन जी रहे हैं क्या आप क्षिप्त लेवल पर जीवन जी रहे हैं क्या आप मूढ़ लेवल पर जीवन जी रहे हैं मूढ़ अवस्था पर जीवन जी रहे हैं आप किस अवस्था में आप जीवन जी रहे हैं क्या आप विक्षिप्त अवस्था में जीवन जी रहे हैं तो ज्यादातर जो मनुष्य है नाइन्टी परसेंट जो लोग हैं वो इन्हीं तीन अवस्थाओं में होते हैं क्षिप्त अवस्था मूढ़ अवस्था और विक्षिप्त अवस्था इससे ऊपर की जो अवस्थाएं हैं वो योगियों के लिए हैं एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था मात्र योगियों के जीवन में ही संभव है कि वह एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लें या फिर या फिर निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर तो मूढ़ अवस्था तमोगुण प्रधान होती है तमोगुण प्रधान होती है बिखराव बना होता है एक भावनाएं और इमोशंस बहुत ज्यादा हावी होती हैं कभी काम के रूप में कभी क्रोध के रूप में कभी लोभ के रूप में कभी मोह के रूप में जो भावनाएं हैं जो इमोशंस हैं वो हावी रहती हैं किस अवस्था में मूड़ अवस्था में क्षिप्त अवस्था रजोगुण प्रधान होता है मूड़ अवस्था तमोगुण प्रधान क्षिप्त अवस्था रजोगुण प्रधान विक्षिप्त अवस्था प्रधान भले ही सतोगुण प्रधान रहता है लेकिन उसमें भी ज्ञान नहीं होती एकाग्रता नहीं होती तो मूढ़ अवस्था तमोगुण प्रधान क्षिप्त अवस्था रजोगुण प्रधान विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण की अधिकता तो होगी लेकिन एकाग्रता नहीं होगी सतोगुण की अधिकता होने से आदमी थोड़ा पुण्य कर्म कर लेगा द्वेष, लोभ और मोह तो व्याप्त तो होगा सतोगुण के कारण भी आ जाते हैं ये सारी चीजें रज और गुण थोड़ा कम हो जाता है लेकिन चौथी अवस्था है चित्त की एकाग्र अवस्था जब मैं कहता हूं कि इमोशनल प्लेन से ऊपर उठिए और स्पिरिचुअल प्लेन पर आइए इट मींस जब मैं कहता हूं कि अपने आप को इवॉल्व कीजिए तो पूरा पतंजलि योग सूत्र आपको इवॉल्व करना ही सिखाता है विकसित होना ही सिखाता है यह पूरा ध्यान योग का जो कोर्स है इवोल्यूशन के लिए है इवोल्यूशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस इसके लिए है विकसित होना सिखाता है तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ये पंचभूमिया पतंजलि योग सूत्र में इसकी व्याख्या मिलती है पंचभूमियों की मूल अवस्था क्षिप्त अवस्था विक्षिप्त अवस्था एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था ज्यादातर मनुष्य क्षिप्त अवस्था में वो लोग हैं जो पूर्णता तमोगुनी जीवन जी रहे हैं या मूल अवस्था में वो लोग हैं जो पूर्णता तमोगुनी जीवन जी रहे हैं क्षिप्त अवस्था में रजोगुनी और विक्षिप्त अवस्था में सतोगुनी थोड़ा सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी लेकिन वह सतोगुण का व्यवहार बाहर से करेंगे लेकिन एकाग्रता और ज्ञान से तो बहुत दूर हैं। जब योग मार्ग पे कोई चलेगा तो एकाग्र अवस्था को प्राप्त करेगा दुख बहुत मिलेगा सतोगुण के कारण भी बहुत दुख मिलता है पांडवों को कितना दुख मिला महात्मा बुद्ध को तथागत को जब वो योग मार्ग पर नहीं निकले थे जब बुद्ध योग मार्ग पर नहीं निकले थे और योगी नहीं बने थे तब तक वो अपने घर में थे और वहां पर बहुत दुख देखा उन्होंने किसी को भी दुखी देखकर दुखी हो जाया करते थे कोई बीमार व्यक्ति मिल गया तो दुखी हो गए तो सोचते थे संसार में तो सिर्फ ही दुख है लेकिन मुझे तो संसार में सिर्फ सुख दिखाया गया लेकिन दुख ही दुख है संसार में तो सिर्फ दुख ही दुख है ऐसा सिद्धार्थ तो गौतम को लगता था इसीलिए उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है प्रथम आर्य सत्य कि संसार दुखमय है लेकिन वह निकलते हैं समाधान की ओर कि इसका समाधान क्या है और सांख्य योग के माध्यम से महात्मा बुद्ध को समाधान भी प्राप्त हो जाता है समाधान भी मिल जाता है तो योग ही समाधान है अपने आप को विकसित करना है अपने आप को विकसित करना है मूड़ भूमि से ऊपर उठना है मूड़ भूमि जहां तमोगुण का प्रसार है क्षिप्त भूमि जहां रजोगुण का प्रसार है विक्षिप्त भूमि जहां सतो गुण और इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर एकाग्र भूमि जो योगी जो ध्यान करते हैं जो ध्यान योग करते हैं वही एकाग्र भूमि और उस अवस्था में ये जो सांसारिक भावनाएं हैं यह आपको हर्ट नहीं करेंगी आपको परेशान नहीं करेंगी आप एक डिफरेंट प्लेन पर जीवन जीना शुरू करेंगे भले ही आप संसार वालों के सामने एक अलग ही जीवन जी रहे हों उनको लग रहा हो कि भाई ये तो सामान्य जीवन ही जी रहे हैं लेकिन नहीं फिर तो भी आप एक डिफरेंट प्लेन पर रहेंगे हाँ जब कोई व्यक्ति आपको समय देगा आपके साथ समय बिताएगा तो उसे धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप कौन सा जीवन जी रहे हैं तो एकाग्र भूमि में जो योगी हैं वो एकाग्र भूमि में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उससे भी ऊपर निरुद्ध भूमि जो समाधि की अवस्था है समाधि प्राप्त योगी निरुद्ध भूमि में चले जाते हैं वहां मोक्ष संभव हो जाता है तो महर्षि पतंजलि ने यह एक व्यवस्था यहां पर समझाई वेदव्यास जी ने इसकी व्याख्या की कि किस प्रकार हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे मूल भूमि से क्षिप्त क्षिप्त से विक्षिप्त विक्षिप्त से एकाग्र और एकाग्र से निरुद्ध ऐसे हमें इवॉल्व होना है उसी बात को राजा जनक यहां सुखदेव मुनि को बहुत छोटे से शब्दों में समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं कि मन जब देह की भावना करता है तो चेतना देह में स्थित होती है और देह में स्थित होकर देह से संबंधी अनुभवों को प्राप्त करकर जगत का निर्माण होता है क्योंकि तो सुखदेव मुनि का प्रश्न है यह संपूर्ण जगत प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ यह संपूर्ण जगत प्रपंच अस्तित्व में कैसे आया तो राजा जनक सुकदेव मुनि को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे शुक यह संपूर्ण जगत चित्त का ही दोष है यह संपूर्ण जगत वास्तव में चित्त में ही विराजमान चित्त का ही द्वेष है दोष है राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत है जब चित्त राग द्वेष आदि विकारों से दूषित रहता है तो यह चित्त ही जगत को प्रतिबिंबित करता है जगत को दिखाता है यह चित्त ही फिर जगत है मन ही संसार है ऐसा समझिए तो राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित यह चित्त ही जगत है वही चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है तभी इसे जगत का अंत यानी मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है मन के द्वारा शरीर की भावना किए जाने पर ही चेतना देहात्मक है या आत्मा देहात्मक बनती है जब वह शारीरिक वासनाओं से मुक्त होती है तभी वह मन शरीर के धर्मों में लिप्त नहीं होता यह मन ही कल्प को क्षण बना देता है क्षण में कल्पवत कल्पत्व भर देता है अतः यह जगत केवल मनोविलास अर्थात मन का खेल मात्र है यह जगत केवल मन का खेल मात्र है जो मनुष्य दुष्चरित्रता से विलग नहीं हुआ है एकाग्र भूमि को प्राप्त नहीं होता एकाग्र चित्त नहीं है और जिसका चित्त अभी शांत नहीं हुआ है ऐसे पुरुष को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है क्योंकि सुखदेव मुनि आत्म साक्षात्कार के लिए गए हैं आत्मज्ञान के लिए राजा जनक के पास गए इसलिए राजा जनक कहते हैं कि जो अभी क्षिप्त विक्षिप्त भूमियों में ही पड़े हुए हैं जो अभी मूढ़ भूमि विक्षिप्त भूमि इन्हीं भूमियों में अटके हुए हैं एकाग्र अवस्था में नहीं पहुंचे हैं उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति उनके द्वारा संभव नहीं होती है नहीं संभव है तो यह बीच में मन है इसी कवि ने कहा कि मन ही ईश्वर मन ही देवता मन से बड़ा ना कोई मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए तो मन के अंदर देह की भावना यह चेतना को खींच लाती है देह में और उसे बिखेर देती है उसे स्कैटर्ड कर देती है लेकिन वही मन जब आत्मा की भावना करेगा एकाग्रता की ओर आगे बढ़ेगा अब क्या होगा चेतना एकाग्र होना शुरू हो जाएगी तो फिर यह मन कैसे काम करेगा यह मन कैसे काम करेगा यह मन एक आवर्धक लेंस की तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो है सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर एक बिंदु पर ले आता है तो क्या होता है वो वह जलने लग आग वहां अग्नि उत्पन्न हो जाती है वैसे ही जब मन ध्यान को धारण करेगा मन देह में भावना ना कर ध्यान में भावना करेगा ध्यान का अभ्यास होगा तो चेतना इवॉल्व होगी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगा वहां पर वहां पर एकाग्र भूमि प्राप्त होगी एकाग्र भूमि प्राप्त होगी अगर हम वेदव्यास जी को पढ़े तो पांच भूमियों का वर्णन उन्होंने किया अगर राजा जनक की बात माने तो वो इतना कह देते हैं सीधी सी बात कि मन जब देह की भावना करेगा तो आत्मा देह में स्थित होगा लेकिन यही मन जब आत्मा की ही भावना करेगा यही मन जब आत्मा की ही भावना करेगा तब वह एकाग्र होगा और आत्मा शुद्ध हो जाएगा और चैतन्य चित्त भी शुद्ध के शुद्ध होने से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार हो जाएगा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा राजा जनक सुखदेव मुनि को बता रहे हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र में यही सिद्धांत अलग भाषा में लिख रहे हैं वेद व्यास जी पंचभूमियों की व्याख्या करते हुए योग सूत्र को समझा रहे हैं कि इवोल्यूशन कैसे होगा आप कैसे इवॉल्व करोगे और सच पूछो जिंदगी का मजा लेना चाहते हो और एक बढ़िया जीवन जीना चाहते हो तो इवॉल्व कर जाओ नहीं तो इस भाव सागर के अंदर इस भावनाओं की दुनिया में इस भावनाओं की दुनिया में जहां पर तामसी भावनाएं हैं राजसी भावनाएं भगवान चौथा भावना नहीं होता भावतीत अवस्था होती है फिर भावनाओं से परे चले जाना पड़ता है राजसी तामसी सात्विक भावनाओं के बीच मनुष्य की जो स्थिति है बड़ी दयनीय हो जाती है ना तो वो संसार का भोग कर पाता है उल्टा भोग के बीच में वह संसार का कोई भोग नहीं कर पाता उल्टा इन भोगों के बीच में भोग्य पदार्थ बनकर रह जाता है मनुष्य भोगों को नहीं भोगता यह भोग ही मनुष्य को भोग जाते हैं मनुष्य भोगों को नहीं भोगता यह भोग ही मनुष्य को भोगना शुरू कर देते हैं बेचारा कभी दुखी होता है रोता है कभी कुछ अच्छा मिल गया मान सम्मान मिल गया कुछ मिल गया तो हंसता भी है खुश भी होता है प्रसन्न भी होता है लेकिन फिर दुखी होता है फिर रोता है इसलिए समस्त शास्त्र चाहे वह बुद्ध की देशना हो चाहे वह कपिल मुनि का सांख्य सूत्र हो चाहे पतंजलि का योग सूत्र हो चाहे आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हो या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित मानस हो वो यही कहते हैं कि संसार के संपूर्ण सुख अंततः दुख में परिवर्तित तो हो जाते हैं अंततः दुख का ही आभास कराते हैं लेकिन फिर भी शिव सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो ये कहता है कि भोग संभव है लेकिन भोग किस अवस्था में संभव है ना तो मूढ़ अवस्था में संभव है ना क्षिप्त अवस्था में संभव है ना विक्षिप्त अवस्था में संभव है भोग मात्र एकाग्र अवस्था में संभव है कहने का तात्पर्य यह कि योगी ही संसार को भोग सकता है क्योंकि वह भोगता है और छोड़ता है आसक्त नहीं होता है उसके लिए रोता नहीं है नहीं मिला तो आसक्त नहीं होता है इसीलिए संसार के लोग भोग नहीं भोगते इन अवस्थाओं में जीव जो है भोगता नहीं है उल्टा भोगों के द्वारा भोगा जाता है यही बात महाराज भरतरी हरि ने कहा अपने वैराग्य शतक में महाराज हरि क्या कहते हैं भोगे न भुगता वयमेव भुगता कृष्णा न जीणना वयमेव जीड़ना यह तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती मनुष्य का शरीर स्वयं जीर्ण हो जाता है लेकिन इस जीर्ण शरीर में भी तृष्णा जागती रहती है कृष्णा जीर्ण नहीं होती फिर भोगे न भुगता वयमेव भुगता मनुष्य भोगों को नहीं भोगता यह भोग ही मनुष्य को भोगना शुरू कर देते हैं यह भोग ही हमें भोगना शुरू कर देते हैं हमारा हमें नष्ट करना शुरू कर देते हैं तो जीवन कुछ इस प्रकार से चलता है लेकिन जिसने अपने मन को ध्यान में लगा दिया एकाग्र भूमि की प्राप्ति में लगा दी तो ध्यान मन और चेतना 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 का प्रसार शरीर में क्यों है मन जब देहात्मक भावना करेगा मन जब देह की भावना करेगा तो चेतना का प्रसार देह में हो जाता है और यही मन जब आत्मा की भावना कर लेगा एकाग्र होना शुरू कर देगा क्योंकि आत्मा अब देह में तो बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी इंद्रियां हैं मात्राए हैं पंचभूत हैं तीन गुण हैं तो बिखराव हो जाता है एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और स्कैटर्ड हो जाती है बिखराव हो जाता है और मूल भूमि में आदमी जब संतुष्ट नहीं होता है तो बहुत दुखी होता है फिर बहुत अशांत होता है फिर फिर क्षिप्त से विक्षिप्त तक पहुंचा लेकिन फिर भी दुखी भावनाओं की दुनिया में उसे दुख ही मिलता सतोगुण तो बढ़ गया पांडवों को क्या मिला सात्विकता का पालन किया उन्होंने जब तक अर्जुन योगी नहीं बना तब तक जीना नहीं सीख पाया और युद्ध करना भी नहीं सीख पाया शस्त्र शास्त्र सब थे उसके पास लेकिन फिर भी गांडीव उससे उठ नहीं रहा था अर्जुन कह रहा था कि हे केशव मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं मुझसे गांडीव उठाया नहीं जा रहा है मैं गांडीव को भी नहीं संभाल पा रहा हूं भला युद्ध कैसे करूंगा ऐसी स्थिति को अर्जुन प्राप्त हो जाता है योद्धा होने के बाद भी संपूर्ण शस्त्र ज्ञान होने के बाद भी ऐसी दयनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है कोई भी व्यक्ति हो सकता है जब आप क्षिप्त भूमि में रहोगे विक्षिप्त भूमि में रहोगे तत्गुण तो तो की कमी नहीं है लेकिन इन तीन गुणों से परे की जो अवस्थाएं हैं एकाग्र और निरुद्ध भूमि और यह तभी संभव है जब मन इस देह की भावना ना करे कुछ समय निकाले जहां जिस समय की हम अपने मन को देह की भावना से हटाकर एकाग्रता में लगाएं आत्मा की भावना में लगा दें एकाग्र करना हम शुरू कर दें उसको दिन में कुछ ऐसा समय निकालना जरूरी है तभी अभ्यास बढ़ेगा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध चित्तवृत्ति निरोध कैसे होगा अभ्यास वैराग्य से ये महर्षि पतंजलि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यही बात अर्जुन को समझाते हुए छठे अध्याय में कहते हैं अभ्यासे नू कौनते वैराग्येन चृह्यते इसीलिए श्रीमद भगवद गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है भगवत गीता को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन की मन अत्यंत चंचल है परंतु अभ्यासेन वैरा अभ्यासेन तू कौन ते वैराग्यन चृहते अगर तू अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेगा तो इस मन को रास्ते पर लाया जा सकता है डेली प्रैक्टिस जबरदस्ती नहीं कि आज ही हमारा मन बदल जाए आज ही सारी वासनाएं दूर हो जाए आज ही सब कुछ खत्म हो जाए प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते रहना है अभ्यास के साथ आगे बढ़ते रहना है और इस एकाग्र भूमि को प्राप्त करने वाले योगी भोगों में लिप्त होते हुए भी लिप्त ना होते हैं भोगों को भोगते हुए भी भोग इन्हें बांध नहीं सकते इन्हें आसक्त नहीं कर सकते ऐसी विशेषता है एकाग्र भूमि की ऐसी विशेषता है योगियों की इसीलिए वह भोक्ता बन जाते हैं फिर भोग करने वाले बन जाते हैं अर्थात वह संसार को भोग कर संसार को उसकी अवस्था में ही छोड़ दिया करते हैं अर्थात उसमें अनासक्त भाव रखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करते कर्तव्य की पालना करते हैं लेकिन अनासक्त होकर निष्काम होकर निष्काम कर्म योग के माध्यम से करते हैं तो यही गुण रहस्य ध्यान मन और चेतना मन जब देहात्मक भावना स्थापित करेगा देह में भावना की स्थापना कर देगा तो क्या होगा यह आत्मा यह चेतना देह में ही अपनी स्थिति को दिखाएगा लेकिन जब यह मन एकाग्र होना शुरू कर दे यह मन एकाग्र अवस्था की ओर जाना शुरू कर दे तो आत्मा की ओर जाना शुरू कर दे तो यह चेतना इस दैहिक भावना को छोड़ आत्म स्थित होना मतलब अपने शुद्ध स्वरूप में लौटना शुरू कर दे शुद्ध स्वरूप में लौटना शुरू कर देगा तो अब यह जगत क्या है यह संपूर्ण जगत मन की ही भावना है यह संपूर्ण जगत भावना मात्र है महा महागीता में तथ्य को रखा है और महोपनिषद में भी राजा जनक सुखदेव मुनि को उपदेश करते हुए कहते हैं यह संपूर्ण जगत सुखदेव मुनि का प्रश्न है यह जगत प्रपंच उत्पन्न कहां से हुआ कैसे आया यह सामने कहां प्रकट होता है यह जगत प्रपंच तो राजा जनक कहते हैं कि राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत है छनी करोति कल्प क्षण नयति कल्पताम मनोविलास संसार इति मत संसार मन का विलास है यह संसार क्या है मन का विलास है चित्तमे संसारो चित्तमेव ही संसारो महोपनिषद के श्लोक हैं ये चित्तमे ही संसारो, चित संसारो रोगादि क्लेश दूषितम तदेव तैर्मुक्त भवांत इति कथ्यते मन सा्यमो देहता देहक देहवासनया मुक्तर मैर्नलिप्यते मनसा भाव्यनो देह देहक देह 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 अर्थात देही देह में कैसे स्थापित होता है जब मन के द्वारा देह की भावना होती है देह वासनाया मुक्तो और देह वासना मुक्त होने से जब मन की धारणा देह में ना हो मन जो है देह में भावना को स्थापित ना करे तो फिर क्या होगा मुक्तो देह धर्मैर्ण लिप्त फिर देह में कोई लिप्त नहीं होगा यह आत्मा कभी भी देह में अटैच नहीं होगी और वह मुक्त हो जाएगी चित्त में वही संसारो रोगादि क्लेश दूषितम वास्तव में यह चित्त ही संसार है राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगत है चित्त में ही सारा जगत है और जो एक बार अपने मन को इस देह देह में भावना या देह में वासना से मुक्त करता है कैसे मुक्त करेगा एकाग्रता का अभ्यास करते हुए आत्मा को लक्ष्य बनाकर तो वह उस आनंद स्वरूप द्वंदों से परे हो जाएगा गुण रहित तो गुणों से परे सत्य स्वरूप चिंगण पर ब्रह्म को अपना निज स्वरूप जान लेने के पश्चात मनुष्य को किंचित भी किसी प्रकार का भय नहीं होता जब मनुष्य जान लेता है कि उसका निज स्वरूप क्या है उसका निज स्वरूप तो पर ब्रह्म है उसका निज स्वरूप तो पर ब्रह्म है जब वह जान लेता है नहीं तो ब्रह्म ब्रह्म लोग कहते हैं और ब्रह्म के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे वो हमसे अलग है नहीं हमारा निज स्वरूप ही पर ब्रह्म है हमारा निज स्वरूप ही पर ब्रह्म है तो जब हम उसको जान लेते हैं तो संसार का सारा भय और दुख अपने आप ही नष्ट हो जाता अपने आप ही खत्म हो जाता है तो इसीलिए ध्यान मन और चेतना मन की दिशा मन का ध्यान मन का बिखराव और मन की एकाग्रता दो विषय है जब मन देह में लिप्त होगा मन की भावनाएं देह में लिप्त होंगी दैहिक संबंधों में लिप्त होंगी और दैहिक भावनाओं में लिप्त होंगी दैहिक संबंध कहने का मतलब है कि संसार में जितने भी संबंध हम बनाते हैं मित्र हो गए या परिवार के संबंध हो गए माता पिता भाई बहन सबका आधार यह बनता है आपने इस देह को कर कर जन्म लिया है के के संबंध बन गया ठीक है उन परिवार के लोगों के साथ आपका भी संबंध हो गया किस कारण से हो गया देह के कारण हो गया क्योंकि तो आपने इस देह को धारण कर, कर उनके, उनके घर में जन्म ले लिया है इसलिए संबंध हो गया ठीक है तो देह धारणा देह जो है आपने देह की भावना की मन ने जब देह की भावना की तो दैहिक चीजों में आसक्ति और संसार प्रकट हो जाए चित्त में संसार प्रकट हो जाए चित्त जो है रोग आदि दोषों से राग द्वेष आदि दोषों से युक्त होकर जगत को प्रकट कर देगा और जगत का अस्तित्व चित्त में है आपके मन में है अच्छा वक्र महागीता भी इसी तथ्य की व्याख्या करती है और जब हम सुखदेव मुनि और राजा जनक का संवाद महो उपनिषद में पढ़ते हैं वहां भी राजा जनक यही बात रिपीट करते हुए आपको मिलेंगे उसी की पुनरावृत्ति करते हुए मिलेंगे कि भाई संपूर्ण जगत कहां पर है आपके चित्त में बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद पढ़ेंगे तो मिलती जुलती बात मिलेगी कि भाई सब कुछ चित्त में ही हो रहा है क्योंकि तो बौद्ध विचारधारा का विकास भी सांख्य विचारधारा से हुई थी इस कारण से बातें वैसे की वैसी ही प्राप्त होती तो इस तरह से यह जो चित्त है इसी में सारा जगत है सारा प्रपंच इसी में है लेकिन जब मन देह की भावना न करे मन आत्मा की भावना शुरू कर दे मन एकाग्र भूमि को प्राप्त करना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा धीरे धीरे इस जगत का लय होगा चित्त का लय होगा संपूर्ण पतंजलि योग सूत्र चित्त के लय की प्रक्रिया ही समझा रही है कि चित्त का लय कैसे होगा और जब चित्त का पूर्ण लय होगा तो कैवल्य होगा और कैवल्य होने का तात्पर्य मुक्ति है लेकिन मुक्ति मिले मुक्ति की यात्रा पर हम चलें इससे पहले जरूरी है कि बंधन का ज्ञान हो कि हम बंधन में हैं को यही समझ में नहीं आया कि हम बंधन में हैं भला वो मोक्ष का मार्ग क्यों चुनेगा उसे मोक्ष मार्ग की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी तो ध्यान मन और चेतना के बीच क्या संबंध है समझ में आ रहा है आपको अगर मन इस शरीर में और संसार में दैहिक वासना में या मन की भावना देह में है तो क्या होगा जगत प्रकट हो जाएगा जगत के सुख और क्षिप्त भूमि मूल भूमि में हम अपना जीवन जिएंगे लेकिन जब यह मन ध्यान की ओर चलेगा तो फिर क्या होगा एकाग्र भूमि प्राप्त होगी और चेतना जो है इस देह में बिखराव के बजाय एकाग्र हो जाएगी इवॉल्व कर जाएगी विकसित हो जाएगी आप एकाग्र भूमि में चले जाओगे और एकाग्र भूमि में ही भोग संभव हो पाता है नहीं तो मूढ़ भूमि में क्षिप्त भूमि में विक्षिप्त भूमि में तो मनुष्य भोगों को नहीं भोगता या भोग ही मनुष्य को भोग रहे होते हैं और उसे समझ भी नहीं आता उसे लगता है कि शायद वो भोगों को भोग रहा है लेकिन कब पासा पलट जाता है पारी कब पलट जाती है हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी बुद्धि इस प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं होती हमको लगता है कि हम प्रकृति के द्वारा माया के द्वारा दिए गए भोगों को भोगेंगे लेकिन उन्हीं भोगों के माध्यम से यह माया हमारा भोग करना शुरू कर देती है प्रकृति हमें ही भोगना शुरू कर देती है आदमी सोचता है कि मुझे मिला क्या जीवन में क्या कर लिया हमने लेकिन जीवन का तो बहुत सारा समय निकल जाता है ना हाथ से जब निकल जाता है तो समझ में बहुत सारी बातें आती भी हैं तो शायद उस लाभ तक हम ना पहुंच पाए लेकिन चलिए शुरुआत तो होनी चाहिए योग मार्ग की किसी भी उम्र में हो जाए होनी तो जरूर चाहिए यह लोक ना सुधरा परलोक जरूर सुधरेगा यह लोक ना सुधरा तो परलोक तो जरूर सुधरेगा वो भी हो जाए लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक छोटा सा बच्चा मंदिर जाता है मुझे प्रसन्नता होती है वृद्ध व्यक्ति जाता है मुझे प्रसन्नता नहीं होती है कहने का तात्पर्य जितनी कम उम्र में बात समझ में आ जाए समझो कि आगे का जीवन उतना ही बेहतर हो सकता है ध्रुव थे प्रहलाद थे बाल्य अवस्था में ही उन्होंने योग रहस्य को समझ लिया प्रकृति के रहस्य को समझ लिया बहुत कम उम्र में भी और फिर बाद में इन्होंने गृहस्थ जीवन को भी अपना लिया ध्रुव राजा हुए प्रहलाद भी राजा हुए प्रहलाद के ही पौत्र हुए राजा बलि इन्होंने भगवान को तीन पग भूमि के नाम पर सब कुछ दे दिया लेकिन भगवान को अपने वश में कर लिया ऐसी कथा सुनी होगी आपने भागवत महापुराण की सबसे प्रसिद्ध कथा है ये कि राजा बलि ने कैसे भगवान को ही अपने वश में कर लिया था पग भूमि तो दी लेकिन प्रेम भगवान विष्णु को वश में कर लिया तो जो जान जाते हैं जो रहस्य को जान जाते हैं जो प्रकृति के रहस्य को समझ जाते हैं योग रहस्य को जान जाते हैं और कम उम्र में समझ जाते हैं जल्दी समझ जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है फिर ध्रुव प्रहलाद जैसे हां सामान्य जीवन जिया ध्रुव राजा हुए प्रहलाद भी राजा हुए और दूसरे कई ऐसे उदाहरण और भी हैं लेकिन जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है सोच बदल जाती है दृष्टिकोण परिपक्व हो जाता है तो इसीलिए जब जागो तब सवेरा जिस उम्र में बात समझ में आनी शुरू योग मार्ग के लिए कोई नियम नहीं होता कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब बुढ़ापे में समझेंगे नहीं अरे जितनी जल्दी समझ लो उतना बढ़िया है जीवन उतना बेहतर हो जाएगा आपका उतना अच्छे ढंग से जीवन को जी पाओगे नहीं तो एक नशे में रहोगे और नशा बड़ा खतरनाक होता है आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है लेकिन मनुष्य पचास तरह की उल्टी सीधी विचारधाराएं प्रतिज्ञा जैसे अर्जुन ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ले रखी हैं अर्जुन ने नहीं ये पाप है ये पुण्य है ये मर्यादा है ये आदर्श है अपने मर्जी से बहुत सारी बातों को वो धारण करके रखा हुआ है कई आदर्शों को व्यर्थ ही धारण किए हुए जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है उस समय पर मनुष्य भी कई बार ऐसे ही जीवन जी रहा होता है अनेकों आदर्श अनेकों आदर्शों को धारण करते रहता है और उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है गलत क्या है सही क्या है लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसे सही है ऐसे गलत है मैं क्या करूं अर्जुन के सामने भी यही समस्या है भगवान कृष्ण उसे समझा रहे ठीक है भगवान उसे समझा रहे तो यही बात यहां पर आ जाती है यही तथ्य यहां पर आ जाती है तो इसलिए हमको यह समझकर अपने मन को विकसित करना है मन को विकसित करना है अपने माइंड को इवॉल्व करना है मन को आत्मा की ओर ले जाना है देह वासना से हटाकर दैहिक भावनाओं से हटाकर मन को आत्मा की भावना में ले जाना है और एकाग्र भूमि को प्राप्त करना है इवॉल्व करना है ध्यान मन और चेतना फिर चेतना विकसित हो जाएगी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाएगा और आप एक विकसित जीवन जीना शुरू कर देंगे चलिए आगे हम चलते हैं आपके टिप्पणियों को और ऐसा करने के लिए आप चाहते हैं कि आप इवॉल्व हो जाएं ध्यान योग आपकी सहायता करेगा ध्यान योग का कोर्स जो कि 20 जून से शुरू हो रहा है आपकी बहुत बड़ी सहायता करने वाला है अगर आप इसे ज्वाइन कर ले तो, तो यह आपकी बहुत बड़ी सहायता करने वाला है तो जरूर ज्वाइन कीजिए प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलेगा और दर्शन गुण रहस्यों को समझने के लिए दर्शन का भी कोर्स है आप इन सभी कोर्सेस का लाभ उठा सकते हैं जरूर लाभ उठाइए चलिए आगे बढ़ते हैं नरेंद्र माकुड़े जी बहुत अभिनंदन संतोष कुमार बिमला शाह गंभीर शाह संतोष गुप्ता जलाराम राय का अब्नि प्रधान राजू पाल गोविंद प्रसाद नीमा विनोद के सूद सविता नायक राम निवास मीना रूपलाल विश्वकर कर्मा जी अभिनंदन विष्णुचंद्र मौर्य रतन सिंह जी संतोष कुमार ध्यान योग करने से शास्त्र की बातें हमें और अच्छी तरह से समझ में आने लगती हैं कि संत महात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं किस तरफ उनका इशारा है जी हाँ ध्यान योग करेंगे तो आपको शास्त्रों की बातें श्रीमद भगवद गीता के बहुत सारे श्लोक जिनका पता ही नहीं चलता कि क्या कहा जा रहा है वो सब आपको स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा समझ में आना शुरू हो जाएगा ये बिल्कुल सही बात है राकेश मराठे राम विलास जी क्योंकि आप अनुभव से जुड़ जाते हैं योग सूत्र में कौन सी बात किस ढंग से कही जा रही है आप उस अनुभूति से जुड़ जाते हैं तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है योगेश खैरनर शेखर शेखर अवधेश कुमार जी श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन आप सभी का कन्हई कुमार ईशा जी नूतन भट्ट ओम तत्स ओम तत्सत खिम सुनार जय श्री कृष्ण दीपक शर्मा उषा श्रीवास्तव राम प्रकाश जी सोनी पंडित अर्जुन भाई चौहान सतीश मास्टर जी अजीत अपराजित दिनेश भाई डाबी कमलेश खैरनर पवन पुरी पलकधारी राजभर प्रभुदत्त शर्मा जी परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप जन जन तक सरल विधि की जानकारी देकर कष्ट निवारण करते हैं जी लगे हुए हैं लोगों का कष्ट दूर हो लोगों का दुख दूर हो यही उद्देश्य है और सही रास्ते से हो अमन कक्कर जी राम गोपाल जांजीर सृजनी महंता जी क्या किसी व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि प्राप्ति के बाद वो व्यक्ति 24 घंटा मेडिटेशन कर पाएंगे निर्विकल्प समाधि अगर हो गई निर्वीज अगर हो गया तो चौबीस क्या तो बस बैठे रहें ठीक ना उनके लिए क्या चौबीस वहां तो ट्र... समय रहेगा ही नहीं वहां समय का अंत हो जाएगा तो गिन, समय गिनने का मतलब ही नहीं बियॉन्ड टाइम चला जाएगा वो व्यक्ति वो, वो योगी बियॉन्ड टाइम काल के परे चला जाएगा अगर वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हां आप ये कहिए कि सविकल्प समाधि को अगर प्राप्त करे तो 24 घंटा मेडिटेशन कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे अगर सविकल्प निर्विकल्प गलत शब्द प्रयोग किया आपने निर्विकल्प परावस्था है जहां कोई विकल्प नहीं काल अपने आप में एक विकल्प है तो काल भी नहीं रहेगा वहां पर टाइम वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो ऐसी अवस्था है तो वो फिर 24 घंटे क्या वो बैठे रहे सालों साल भगवती पटेल जी एलेक्स, राकेश गुप्ता जी शिवराम कृष्ण अभिनव बधवार जी गोविंद प्रसाद कोरी अभिनव बधवार सृजनी महंता जी रूपलाल विश्वकर्मा वेद व्यास पतंजलि मुनि के पहले लगभग तीन हजार वर्ष पहले हुए फिर उन्होंने योग सूत्र का भाष्य कैसे लिखा व्यास एक पदवी है श्री कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास जी के बाद एक वेद व्यास जी हुए थे वाद श्रायन वेद व्यास जी उन्होंने लिखा था ठीक है तो व्यास एक गद्दी है एक वाद श्रायन वेद व्यास भी हुए हैं कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास भी हुए हैं जिन्होंने भागवत की रचना की थी और सुखदेव मुनि के पिता थे वो ठीक उसके बाद भी व्यास गद्दी पर जो दूसरे वेद व्यास है उनके द्वारा फिर बाद में पतंजलि हाँ और दूसरी बात महर्षि पतंजलि की आयु का भी वर्णन नहीं मिलता है हजार वर्ष तक बताई जाती है ठीक है तो ऋषि पतंजलि कब तक रहे शुंग वंश तक मौर्य वंश और शुंग वंश तक उनके प्रमाण मिलते हैं महर्षि पतंजलि के तीन हजार वर्ष नहीं लगभग ढाई हजार वर्ष तक महर्षि पतंजलि का प्रमाण मिलता है पुष्यमुत्र शुंग के गुरु भी थे पुष्यमित्र शुंग जब मौर्य वंश को खत्म कर शुंग वंश आया था मौर्य वंश का दसम, राजा जो कि बहुत अधिक सांसारिक वासनाओं में लिप्त और कायर था उसके कारण उसको पदस्थ उसके उसको अपने पद से हटाकर शुंग वंश पुष्य मित्र शुंग राजा बनता है और शुंग वंश का प्रारंभ होता है और शुंग वंश का पुत्र था शुंग पुष्यमित्र का पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र अग्निमित्र मालविका मालविका अग्निमित्र करके कालिदास जी का एक बहुत बड़ा उपन्यास है विदिशा की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र पाटलिपुत्र के राजकुमार अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है तो उसमें कालिदास जी ने एक बहुत सुंदर रचना की है तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है इस बात का कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे ऋषि पतंजलि ठीक है तो ढाई हजार साल पहले आज से कालीदास जी बाद में हुए विक्रमादित्य बाद में हुए कालिदास बाद में हुए तो कालिदास जी ने ये ये प्रेम कथा लिखी थी कुछ लोग इसलिए विक्रमादित्य के समय काल को भी कई लोग संशयग्रस्त कर देते हैं वो कहते हैं कि नहीं मौर्यों से पहले विक्रमादित्य हुए कुछ लोगों का ऐसा मानना है अगर मौर्यों से पहले विक्रमादित्य हुए और कालीदास उनके रत्नों में थे तो फिर कालिदास अग्निमित्र मालविका माल की प्रेम कहानी कैसे लिखेंगे जब अग्निमित्र का जन्म ही नहीं हुआ था इसीलिए विक्रमादित्य का काल अगर हम कालिदास को अगर हम मानते हैं कि वो विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से थे तो कालीदास का जो काल है या विक्रमादित्य का काल है वो मौर्य वंश शुंग वंश के बाद गुप्त वंश में माना गया है यहां से बात प्रमाणित होती है नहीं तो शुंग वंश तो मौर्य वंश के बाद आया यह निश्चय है और कालीदास ने अग्निमित्र पाटलिपुत्र के राजकुमार और विदिशा की राजकुमारी की प्रेम कथा को ऐसे वर्णन किया था तो पतंजलि का जो काल था पतंजलि की आयु बहुत बताई जाती है ऋषि पतंजलि ने अपने योग बल से शायद बहुत लंबा जीवन जिया था शायद इसलिए ऐसा हुआ और वो योग सूत्र पहले ही दे चुके थे पतंजलि गुरु शंकराचार्य के पहले महर्षि पतंजलि सबसे बड़े भाष्यकार हुए हैं गुरु शंकराचार्य को तो भगवान भाष्यकार कहा जाता है ठीक ना गुरु शंकराचार्य को तो भगवान भाष्यकार के नाम से जाना जाता है तो गुरु शंकराचार्य के पहले अगर किसी ने बहुत भाष्य दिया पाणनी के व्याकरण पर भी भाष्य दिया फिर उन्होंने अष्टाध्यायी पर भी भाष्य दिया फिर आयुर्वेद पर भी भाष्य दिया और योग सूत्र भी दिया तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे भाष्य बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की थी तो निश्चय ही उनके पास बहुत सारा समय भी होगा तो उनकी आयु निश्चित नहीं मानी जाती है उनकी कोई आयु उनका जन्म हाँ वो इस काल में पाए गए प्रमाण के रूप में शुंग वंश के प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग के गुरु के रूप में पाए गए उसका अभिषेक भी किया उन्होंने लेकिन ऐसा वर्णन आता है ऐसी कथा आती है लेकिन उनका जन्म कब हुआ था और कितने वर्षों तक वो जीवित रहे योग बल से या चाहे जैसे भी इसके बारे में सही सही जानकारी नहीं मिलती ठीक है और रही बात वेद व्यास जी की तो यह व्यास एक पदवी थी जिस समय सुखदेव मुनि हुए तो सुखदेव मुनि के पिता जो थे वो कृष्ण वेद व्यास जी थे ठीक उसके बाद भी वेद व्यास हुए बादश्रायन वेद व्यास और भी वेद व्यास हुए तो इस प्रकार से ये पदवी चली थी तो उसी पदवी में किसी वेद व्यास जी ने योग सूत्र का भाष्य दिया था ठीक है इसको इस बात इस तरह से इसको स्पष्ट इस करना है समझना है नंदकिशोर कदम जी बहुत अभिनंदन राठौर विक्रम भाई काशीनाथ जी ठीक गुरु जी प्रणाम बहुत धन्यवाद ऑफिशियल तुषार क्या लिख रहा है सृजनी महंता जी नाथ जी राजेश गोयल और भीखू कुचाडिया जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में ठीक तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को हम आपको कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे और विराम देंगे इस कार्यक्रम को चलिए और कल फिर मिलेंगे 9 पीएम लाइव चर्चा में ठीक है 9 पीएम लाइव चर्चा में हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे ध्यान पर योग पर चर्चाएं चलती हैं शास्त्रों पर और भी कई विषय हैं पे चर्चा जीवन संबंधी चर्चा है, कुल मिलाकर देखिए जीवन को बेहतर बनाना ही लक्ष्य है कुल मिलाकर जीवन को बेहतर बनाना ही लक्ष्य है तो हमारा जीवन बेहतर हो लाइफ अच्छे ढंग से हम जिए और जीवन को समझे जीवन को बेहतर तभी बनाएंगे जब हम जीवन को समझेंगे तो समझना बहुत सारी बातें हम समझें और जीवन को अच्छे ढंग से जिए चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं नाइन पी लाइव चर्चा में और अगर आप चाहते हैं ध्यान योग का कोर्स करना फिर आप चाहते हैं नेचुरोपैथी का कोर्स करना प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन का फिलॉसफी का कोर्स तो आप कर सकते हैं इन सब से आप लाभान्वित हो सकते हैं और लाभान्वित होकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं नाइन पी लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सप